राजस्थान विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग को बंद करवाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आया। स्टूडेंट्स ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि स्टूडेंटों ने पहले कैंप्स के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया, इसके बाद एडम ब्लॉक पर जमकर नारेबाजी की। दूसरी ओर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है कि स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए प्रशासन की ओर से उचित फैसला लिया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स जनसंचार विभाग में बंद हो रहे एडमिशन का विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने कल भी प्रदर्शन किया और आज हम फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पत्रकारिता के जो डिपार्टमेंट हैं वो बंद किए जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की साजिश द्वारा, यहाँ के प्रोफेसरों द्वारा, यहाँ के कुलपति के द्वारा एक साजिश के तहत पहले यहाँ DSW, वाटर मैनेजमेंट जैसे विभिन्न डिपार्टमेंट जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे उनको बंद किया जा चुका है, लेकिन ये पत्रकारिता विभाग इस विश्वविद्यालय की आत्मा है। यहाँ से पूरे देश भर में पत्रकार दिए हैं जो पूरे प्रदेश में, हमारे देश का प्रदेश में, भारत में, हमारे यहाँ का नाम रोशन करते हैं। हम यहाँ से किसी भी हालत में इस डिपार्टमेंट को नहीं बदलने देंगे। जिस तरीके से कुलपति साहब ने कल कहा था कि हम लोगों ने ये डिपार्टमेंट चालू कर दिया है, सर जब टीचर यहां नहीं रहेंगे तो आप काय का डिपार्टमेंट चलाओगे? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कुलपति साहब से कि जब आप सारे टीचरों को हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में भेज दोगे तो यहां उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा जो 30 बच्चे यहां रहेंगे? इसलिए हमारी मांग है, या तो हमारे यहां टीचर आप रिक्वायरमेंट भर्ती करो या फिर उन टीचरों को यहां रखो, नहीं तो विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगी, पूरे प्रदेश में आंदोलन